तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 3, बोरिंग एंड ड्रिलिंग। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि बोरिंग और ड्रिलिंग होता क्या है। कई लोग ये सोचते हैं कि बोरिंग एंड ड्रिलिंग दोनों अलग अलग चीज़ है, तो नहीं, बोरिंग और ड्रिलिंग दोनों सेम चीज़ है। हम लोग एक भाषा में बोरिंग को ड्रिलिंग भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात कि बोरिंग और ड्रिलिंग होता क्या है। तो फॉर्मेशन ऑफ ड्रिलिंग होल्स कॉल्ड बोरिंग एंड ड्रिलिंग। जब हम लोग सिलेंड्रिकल होल्स बनाते हैं माइंस में, उसी को कहते हैं बोरिंग एंड ड्रिलिंग। तो सबसे पहले हम लोग का पर्पस क्या होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे पर्पस ऑफ ड्रिलिंग। तो देखिए, नंबर 1, टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ मिनरल्स, टू गेट एन आइडिया ऑफ रॉक स्ट्रक्चर्स एंड टू ऑब्टेन नॉलेज ऑफ द रॉक्स एंड द मिनरल बेड्स सच एज डेप्थ, नेचर, थिकनेस एंड ग्रेडियंट। तो सबसे पहले हम लोग को वहाँ पता करना रहता है कि वहाँ पे मिनरल्स है या नहीं, तो टू प्रूव दियर एग्जिस्टेंस ऑफ मिनरल्स। उसके बाद हम लोग को एक आइडिया मिलता है कि वहाँ पे रॉक का स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद हम लोग वहाँ का रॉक के बारे में जानकारी लेते हैं कि उसका डेप्थ कैसा है, उसका नेचर कैसा है, थिकनेस है भी कि नहीं, और उसका ग्रेडियंट कैसा है, मतलब उसका क्वालिटी कैसा है। उसके बाद यहाँ कह रहा है टू गेट कोर ऑफ द रॉक्स From which gearing pressure of the ground can be found out. This information is necessary for heavy winding engine foundation required for deep shaft. मतलब सबसे पहले समझते हैं कोर किसे कहते हैं। तो कोर, तो मान लीजिए कि एक सरफेस है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक ड्रिलिंग कर रहे हैं, ड्रिल होल्स बना रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले जो ड्रिल का जो बीट होता है ना, उसके आगे एक कोर बैरल लगा रहता है। तो मान लीजिए यहाँ पे रॉक है, रॉक का लेयर है, हम लोग उसमें ड्रिलिंग कर रहे हैं। जब हम लोग ड्रिल करते हैं तो जो ये रॉक का कुछ टुकड़ा है वो हम लोग निकाल लेते हैं, उसी को कहते हैं कोर। तो जब हम लोग उसे निकालते हैं, उसके बाद हम लोग लैब में टेस्ट करते हैं, तो उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि हम लोग जब वहाँ पे वाइंडिंग इंजन लगाएंगे तो कितना डीप शाफ्ट में लगा पाएंगे, कैसे लगा पाएंगे, मतलब वो इसी के थ्रू पता चलता है। उसके बाद क्या है, टू नो थ्रो ऑफ द फॉल्ट, दिस इज कॉन्वेंशनली डन फ्रॉम अंडरग्राउंड वर्किंग। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फॉल्ट कहते किसे। तो फॉल्ट, मान लीजिए कि हम लोग का ओवर बेड है, ठीक, ये ओवर बेड है। अब क्या होता है कि ओवर बेड में कभी भी मतलब क्रैक्स आ जाती हैं, या ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, मतलब ये मूवमेंट हो जाता है, जैसे कि क्या अर्थक्वैक आ गया तो ये हिलेगा डुलेगा, तो जिसके वजह से इसमें क्रैक्स आ जाती है। ये क्रैक्स किस साइड से भी हो सकती है, मतलब किसी भी तरफ से, ऐसे ऐसे सीधा, तो उसी को कहते हैं फॉल्ट्स। तो बोरिंग करने का एक और पर्पस होता है कि हम लोग पता कर सकें कि यहाँ पे फॉल्ट्स हो सकता है या नहीं। फिर आता है टू ड्रेन ऑफ गैस और वाटर फ्रॉम ओल्ड वर्किंग। अब मान लीजिए कि हम लोग जहाँ पहले काम कर रहे थे, जहाँ पे हम लोग माइंस के अंदर पहले कोयला निकाल रहे थे या कोई भी मिनरल्स निकाल रहे थे, तो जब उसके अंदर पानी जम जाता है या गैस भर जाता है, पॉइजनस गैस होती है माइंस में, वो भर जाता है, तो जब हम लोग उसको निकालते हैं तो निकालने के लिए हम लोग बोरिंग और ड्रिलिंग का मेथड यूज़ करते हैं। तो हम लोग बोरिंग और ड्रिलिंग के थ्रू वहाँ का गैस और वाटर को बाहर निकालते हैं, उसके पर्पस पे भी होता है। तो एक पर्पस ये भी हो गया। अब नेक्स्ट, टू कैरी इलेक्ट्रिक केबल्स, सिग्नल वायर्स, स्टोइंग पाइप्स और वाटर पाइप्स टू द अंडरग्राउंड फ्रॉम सरफेस। तो इसमें ये कह रहा है कि मान लीजिए ये हमारा वर्किंग फेस है,
ये हमारा माइंस है और ये सरफेस है, ठीक। अब इसके ऊपर हमारा बिजली घर है जहाँ से बिजली सप्लाई होती है माइंस में, हम लोग को बिजली यहाँ पे ले जाना है। तो अब बिजली ले जाने के लिए हम लोग इधर से अगर ले जाएंगे इंक्लाइन साइड से, तो हम लोग को बहुत इसका कॉस्ट पड़ जाएगा ना, और फिर बहुत दूर भी हो जाएगा, लेंथ भी बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग ड्रिलिंग बोरिंग का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग ड्रिल करके ये डायरेक्ट यहाँ से कनेक्शन कर सकते हैं। इसके थ्रू हमें जो भी चीज़ वहाँ ले जानी पड़े, जैसे कि हमारा वाटर पाइप हो गया, हमको पाइप का कनेक्शन करना है, तो हम बोरिंग करके यहाँ से पाइप का कनेक्शन कर देंगे। करंट पहुँचाना है तो बोरिंग करके पहुँचा देंगे। ये हमारा एक और पर्पस हो गया। अब नेक्स्ट है टू हैव ट्यूब वेल्स फॉर वाटर सप्लाई टू कॉलोनी। अब जब हम लोग वाटर सप्लाई करते हैं उसके लिए भी हम लोग ड्रिल यूज़ करते हैं। हम लोग ड्रिल करते हैं, ट्यूबवेल बनाते हैं, सब चीज़ के लिए ड्रिलिंग करना पड़ता है, तभी तो हम लोग वाटर सप्लाई कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है टू ब्लास्ट रॉक मिनरल्स इन अ मैकेनाइज्ड क्वेरी वेयर होल्स ऑफ 9 to 18 meter डेप्थ एंड 125 to 300 mm इन डायमीटर मे बी ड्रिल्ड। तो सबसे पहली बात कि हम लोग पहले तो कहीं भी कोई भी माइंस में हम लोग ड्रिलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उसको ब्लास्ट करके हम लोग वहाँ पे जो ओर है, जो मिनरल है, वो एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो इस लाइन में ये कह रहा है कि मैकेनाइज्ड क्वेरी मतलब हमारा हो गया ओपन कास्ट। तो जब भी हम लोग ओपन कास्ट में ड्रिल करते हैं, उसको चार्ज करते हैं ब्लास्ट करने के लिए, तो जो हमारा होल रहता है ना वो 9 to 18 meter डेप्थ होता है, उसका गहराई होता है, और 125 to 300 mm का डायमीटर होता है। तब हम लोग उसको चार्ज करके ब्लास्ट करते हैं और अपना कोल मिनरल्स जो निकालना है वो निकाल लेते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है टू रेंडर पॉसिबल द इंजेक्शन ऑफ सीमेंट इनटू द स्ट्रेटा इन अ मेथड ऑफ सॉफ्ट सिंकिंग नॉन एज सीमेंटेशन मेथड ऑफ सॉफ्ट सिंकिंग। तो इस लाइन में ये कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं सीमेंटेशन मेथड ऑफ सॉफ्ट सिंकिंग। तो जब भी हम लोग साफ्ट जब बनाते हैं, तो हम लोग उसके बगल में ना होल करते हैं और इसके अंदर सीमेंट फिट करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम लोग साफ्ट को ऊपर नीचे करेंगे तो उस पर एक मदद दे, और दूसरा ये कि जब भी मतलब मान लीजिए पानी भर जाए तो जब पानी भर जाएगा उसके वजह से साफ्ट हम लोग का घिसक सकता है, एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, तो जिससे हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसी के वजह से हम लोग सीमेंटेशन मेथड ऑफ साफ्ट सिंकिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर वेंटिलेशन ऑफ अंडरग्राउंड माइंस वर्किंग, मतलब हम लोग ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए वेंटिलेशन अंडरग्राउंड माइंस में वेंटिलेशन अच्छे से पहुंचाने के लिए हम लोग ड्रिलिंग का यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग वहाँ पे वेंटिलेशन लगा रहे हैं तो ज़रूरी है हम लोग को वहाँ पे बिजली चाहिए, और जब बिजली चाहिए तो हम लोग को वायर वहाँ पे पहुंचाना पड़ेगा, जिसके वजह से हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिल करके उसमें से वायर निकाल देते हैं, फिर जाके हम लोग वेंटिलेशन सिस्टम सेट कर देते हैं। अब इसी में उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग। तो दो टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग होता है, एक परकुसिव ड्रिलिंग होता है और दूसरा रोटरी ड्रिलिंग होता है। तो परकुसिव ड्रिलिंग किसे कहते हैं? तो परकुसिव ड्रिलिंग हम लोग इसे कहते हैं कि पुराने ज़माने में इसका यूज़ होता था। तो पुराने ज़माने में होता था कि मान लीजिए ये हमारा रॉक है, मान लीजिए ये हमारा कोयला है, ठीक। अब हमको इसको ड्रिल करके निकालना है, तो पहले के ज़माने में एक सिंपल रॉड का यूज़ किया जाता था। उस रॉड के आगे एक टूल लगाया जाता था जो कि इस शेप का होता था और आगे नोखीला होता था। तो इसी टूल से इस रॉक के ऊपर स्ट्राइक किया जाता था, जिसके कारण इसमें होल्स होते थे, बहुत सारे स्ट्राइक कर करके इसमें होल किया जाता था और फिर ब्लास्ट किया जाता था। उसके बाद हम लोग को कोयला का एक्सट्रैक्शन होता था।
पहले के टाइम में यूज होता था। देखिए नीचे लिखा हुआ भी है कि ड्रिलिंग बाय रिजिड रॉड, वही हो गया, सिंपल रॉड से हम लोग ड्रिलिंग करते थे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, रोप ड्रिलिंग ऑल्सो नोन एज केबल ड्रिलिंग, हम लोग रोप ड्रिलिंग को केबल ड्रिलिंग भी कहते हैं और चर्न ड्रिलिंग भी कहते हैं। अब दूसरा है रोटरी ड्रिलिंग, तो रोटरी ड्रिलिंग कैसे कहते हैं, तो देखिए जैसे हमने फर्स्ट वाले में देखा कि हम लोग यहाँ पे नॉर्मल मतलब नॉर्मल रॉड से स्ट्राइक करवा करवा के हम लोग ड्रिल कर रहे थे, तो दूसरे तो रोटरी में क्या होगा कि ये हमारा कोयला हो गया, हमको इस पे ड्रिल करना है, तो हम लोग एक रॉड लेंगे और उसमें यहाँ देखिए लिखा हुआ है ड्रिलिंग बाय सॉ टूथ कटर, ये जो सॉ टूथ कटर है उसको रॉड के आगे फिट करते हैं, यहाँ पे फिट करते हैं और इसको मशीन के द्वारा घुमा घुमा के इसके अंदर ड्रिल किया जाता है। फिर उसके बाद है ट्राइकोन रॉक रोलर बीट, इसको भी सेम इसके जगह पे लगाते हैं और ड्रिल करते हैं। डायमंड ड्रिल बीट, डायमंड ड्रिल बीट को उसके जगह लगा के ड्रिल कर सकते हैं और चिल्ड शॉट से उसको जगह लगा के ड्रिल कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया रोटरी ड्रिलिंग। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी का वॉल्यूम 1 पे आपको डायमंड ड्रिल बीट, ट्राइकोन रॉकर रोलर बीट का डायग्राम मिल जाएगा। तो यही होता है वो हमारा जो इक्विपमेंट रहता है जिसको रॉड के आगे लगा के ड्रिल किया जाता है, तो देख सकते हैं आप लोग इस सेफ का होता है। तो पर्पस ऑफ बोरिंग एंड ड्रिलिंग का टॉपिक यही ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे क्या, तो हमारा जो है बोल होल डेविएशन, बोर होल सर्वे एंड डिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे।